नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। प्ले हमारा शो जो है, टीवी शो है, वो शूट कर रहे हैं हम लोग इसी लोकेशन पे कंटिन्यू, कई काफ़ी दिनों शूट कर रहे हैं हम लोग। तो ये हुआ कि हीर जो हमारी एक फिल्म है उसको हम भाई शूट कर रहे हैं मुंबई से बाहर, तो पब्लिसिटी के लिए हमने आज के दिन सिर्फ एक मुहूर्त शॉट रखा कि मुहूर्त करेंगे, सीन कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, मुंबई पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि मुंबई हम लोग शूट नहीं कर रहे हैं आगे। मुंबई अभी फिल्म की शूटिंग हम लोग अभी गाना करने के लिए तवांग जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, और उसका बाकी पूरी फिल्म की शूटिंग हम लोग कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो फिल्म का जिस तरह से नाम है इंटरनल, तो किस तरह के प्यार को दिखाया जाए, अगर प्यार की मूवी देखा जाए तो बहुत सारी फिल्में लोगों के बीच आ चुकी, तो ये फिल्म उस फिल्मों से क्या हटकर, ये एक एकदम डिफरेंट लव स्टोरी होगी, जब आएगी देखेंगे तो समझ में आएगी किस तरह की फिल्म है। स्टार कास्ट में अभी तक दो लोग फाइनल हो चुके हैं, एक एकांश भरद्वाज जी हैं और राजेश सिंह पूरे करके हैं वो हैं, बाकी और भी आर्टिस्टों से बात हुई है, हमने अभी तक उनको साइन नहीं किया, जैसे मुरली शर्मा हैं, राहुल राय हैं, ऐसे और भी कई आर्टिस्ट हैं जिनको हमने मतलब फाइनली बात हो चुकी है, मेरा एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं हमारा उनके साथ में। ये 2019 में ही फिल्म लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि शेड्यूल लंबा है, अभी कुछ हम लोग स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जो है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब 2019 में फिल्म जो है दर्शकों के बीच में आएगी। आपसे जानना चाहूँगी फिल्म के निर्माता सुरजीत के द्वारा जिस तरह से फिल्म का निर्माण किया जा रहा है और उसका मुहूर्त किया गया, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएँ होंगी? मेरी शुभकामनाएँ पूरी यूनिट को हैं, और जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में होता है कि फिल्म चलती है तो लोगों को काम मिलता है, तो मैंने भगवान से ये कहा कि ये फिल्म को सक्सेस दें, सक्सेस देंगे तो 10 लोगों को काम मिलेगा और फिल्में बनती रहेंगी, इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो बहुत सारी फिल्में अभी आती है, बड़े बड़े स्टार कास्ट होते हैं, सब कुछ नाम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर की जो कमाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो हीर को देखते हुए आपने इसके बारे में कुछ बात की, आपको क्या लगता है हीर लोगों के बीच में कितना छाया है? हीर बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे हीर रांझा थी ना, जैसे हीर उसमें फेमस हुई थी उसी तरह ये भी फेमस होगी, ये हमारा जो है सोच है लोगों तक। और जैसे कि बहुत सारी फिल्में आती हैं, हर आदमी जो फिल्म बनाता है वो यही सोच के बनाता है कि मैं हिट फिल्म बना रहा हूँ, मेरी कहानी बहुत अच्छी है, मैं भी वही कर रहा हूँ। और जैसा भी आपने पूछा कि इस कहानी में क्या है, लव स्टोरी है क्या है, तो डिफरेंट जैसे हमारे प्रोड्यूसर जी ने बोला कि कुछ डिफरेंट है, तो डिफरेंट इसमें क्या है कि जैसे हमारा जो हीरो है, अक्सर जो है इंडस्ट्री में सुनने को आता है कि राइटर एक स्क्रिप्ट लिख के देता है और डायरेक्टर उसको चेंज कर लेता है, फिर एक्टर चेंज कर देते हैं, तो उसने एक स्क्रिप्ट लिखी, वो फ्रस्ट्रेटेड है और उसने कहा कि ये फिल्म मैं खुद डायरेक्टर हूँ, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल के दरमियान ही उसका एक लव का भी स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जो लड़की को मालूम नहीं पड़ता है, वो फाइनली जब वो एज ए डायरेक्टर साइन किया जाता है तभी वो उस लड़की को एज ए हीरोइन लाता है कि वो भी इंडस्ट्री की लड़की है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नई आपको देखने को मिलेंगी। और फिल्म को लेकर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? रोमांटिक लव स्टोरी है और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, फिल्म इंडस्ट्री को बेस करके हम लोग इसको बना रहे हैं जो है, तो काफ़ी चीज़ें आएंगी इसको देखने के लिए, अब लोग देखेंगे अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि क्या किस तरह का है, क्या आने के बाद ही